नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सरकार ने घरेलू ब्रॉडबैंड की लाइसेंस फीस घटाकर 1 रुपए कर दी है। इससे रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को फायदा होगा और घर में ब्रॉडबैंड लगवाना सस्ता हो जाएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार बादाम का वायदा कारोबार प्रारंभ किया गया है। बीएससी ऐसा कारोबार करने वाला दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म बन गया है। इसकी अनुमति सेबी ने दी है। महंगे डीजल के चलते देश भर के ट्रांसपोर्टर भाड़ा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है। कृषि भी डीजल की बढ़ती कीमत के कारण महंगी हो गई है। 1 बीघा खेती की लागत 400 रुपए तक बढ़ गई है। मॉनसून और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर घरेलू स्टॉक मार्केट में भी दिख रहा है। सेंसेक्स 204 अंक की बढ़त के साथ 35,116 पर खुला है। तेजी का माहौल दूसरे बाजारों में भी है। निफ्टी भी 60 अंक की तेजी के साथ 10,371 पर कारोबार कर रहा है। दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने अपने खुदरा और वितरण कारोबार में भागीदार के तौर पर जुड़ी इकाइयों के करीब 30,000 कर्मचारियों को मई का वेतन देने का निर्णय किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।